टुडे वी लर्न अबाउट द एंथैल्पी। आज हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स इस चैप्टर का एंथैल्पी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमने पढ़ा है। टुडे वी लर्न अबाउट द एंथैल्पी। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवसे। चलो हम स्टार्ट करते हैं टुडेज आवर टॉपिक, दैट इज द एंथैल्पी। व्हाट इज द एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या है? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मतलब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमने फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एंथैल्पी इट इज ऑल्सो, इसको ही हम एंथैल्पी कहते हैं, बट एंथैल्पी इज डिनोटेड बाई एच। एंथैल्पी कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं? एच। हेंस एंथैल्पी इज ऑल्सो, एंथैल्पी क्या है? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज द यू, एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मतलब जो हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और देखा एक्सपेंशन वर्क डन के टू फॉर्मूले जो हमने देखे है, दिस इज वो क्या है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। वो कौन सा वर्क डन है? हमारा प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो यही इक्वेशन एंथैल्पी में क्या है, जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इट रिक्वायर्स फॉर टू पर्पस। फर्स्ट इज टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड इज टू डू वर्क। हेंस द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इट इज द सम ऑफ, सम मींस एडिशन ऑफ, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मतलब जो भी हम वर्क डन इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स इस चैप्टर में हमने जो भी वर्क डन देखा है वो कौन सा है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क है। तो वो वर्क डन करने के लिए मतलब जो हमारी एंथैल्पी दैट इज द एच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज द यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मीन्स पी ही। ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क है। मतलब एनर्जी एंथैल्पी क्या है? वो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को इट ऑक्यूपाइज फॉर टू पर्पस। फर्स्ट इज टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड इज टू डू वर्क, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। बट एंथैल्पी इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ये क्या है? एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। आपको पता है अगर हम स्टेट फंक्शन लर्न करते दैट अप्लाइज फॉर टू पर्पस। फर्स्ट इज इट इज फॉर इनिशियल स्टेट एंड लास्ट इज अ फाइनल स्टेट। मतलब द फंक्शन विच ओनली द फंक्शन विच एक्सप्लेन द सिस्टम फॉर ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। सो द एंथैल्पी इट इज ऑल्सो क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है, दैट इज द डेल्टा एच। डेल्टा एच दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फाइनल सिस्टम, दैट इज द एच टू माइनस एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट initial system. H2 is the enthalpy of final state and H1 is the enthalpy of initial state. हम इसे कहते हैं. That is the enthalpy क्या है? हमारा state function. State function है तो it denotes as delta H. तो delta H क्या है? Difference between the two enthalpies. That is the enthalpy of final state and enthalpy of initial state. तो आपको पता है for H1, H1 क्या आएगा हमारा? According to first equation, from equation 1, H is equal to U1 प्लस P1 V1 एंड हेंस H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, वी सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। इन दोनों के हमको क्या करनी है? सब्सट्रैक्शन करनी है। तो सो डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 यानी के U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। तो हमारा इक्वेशन क्या आता है? U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। अगर ये माइनस ये प्लस को मल्टीप्लाई करता है तो हमारा प्लस माइनस बिकम माइनस। देन इक्वेशन इज U2 माइनस U1 प्लस P2
P2 minus P1 P1। तो हमारा इक्वेशन क्या आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इज द डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, यह हमारा इक्वेशन आता है। बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यहां पे क्या है हमारा प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर एंथैल्पी। यही हमारा एंथैल्पी का इक्वेशन है। एंथैल्पी मीन्स द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये क्या है हमारी एंथैल्पी। यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम वी डिनोट एज अ क्यू, क्यू से हम डिनोट करते हैं। बट हियर द क्यू इज रिप्लेस बाय डेल्टा एच, यहां का क्यू डेल्टा एच से हमने रिप्लेस किया है, एंड दिस डेल्टा एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम की क्या है, वो एनर्जी है, एंड इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। बट द एंथैल्पी क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन है, एंड दिस स्टेट फंक्शन वी प्रूव करते हैं, हमारा इक्वेशन ऐसा आता है, दैट इज द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन रखती हूँ मैं, ये रफ करती हूँ। अगर हम इसका प्रेशर क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट एट, ये फाइनल इक्वेशन क्या आता है हमारा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा इक्वेशन आता है, एंड दिस इज इक्वेशन इक्विवेलेंट टू क्यू पी, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, देयरफॉर QP is equal to delta H। यही हमारा क्या है इक्वेशन आता है फॉर डेल्टा H, क्योंकि डेल्टा H क्या है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कौन से प्रोसेस में कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है, दैट इज द आइसोबेरिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी होती है हमारी, आइसोबेरिक प्रोसेस। इन आइसोबेरिक प्रोसेस और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। हमारा इक्वेशन क्या आता है, दस एनर्जी absorbed by the system is equal to change in enthalpy, that is the QP means the energy absorbed by the system at constant pressure is equal to delta H, and this process is called as the isobaric process. Then second is at constant volume. Agar hum iska constant volume rakhte hain, at constant volume, that is the डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रेशर आता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, बट वी कांट रिक्वायर द चेंज इन प्रेशर, वी रिक्वायर ओनली प्रेशर। सो हमारा इक्वेशन एज इट इज आता है, हेंस क्यू पी दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी। बट हियर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, हेंस द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारा जीरो, हेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये टर्म आता है, दैट इज डेल्टा एच, इसको हम क्या कहते हैं, क्यू वी, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है हमारी, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच आपको पता है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू Change in enthalpy. Why we can calculate the change in enthalpy? Because the enthalpy is a state function, and state function is calculated only in change in. Because the state function is depends upon the only initial and final state of the system, does not depend on the path of the system. Hence, we calculate the change in enthalpy. Then delta U is equal to change in internal energy. Change in internal energy. P is equal to pressure, not change in pressure, only pressure, and delta V is equal to change in volume, that is V2 minus V1, change in
वालू वी कैलकुलेट डिसिपेशन एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस क्यूपी दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. बट हियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम रखते हैं तो हमारा डेल्टा एच आता है डेल्टा यू एंड दिस डेल्टा एच कॉल्ड एज द क्यू ही मींस दिस प्रोसेस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस. इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस क्या रहता है कांस्टेंट. बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम the heat absorbed at constant volume is equal to change in internal energy. मतलब हम अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा आता है चेंज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. अगर हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगर मतलब आपको पता है इन दोनों प्रोसेस में कितना डिफरेंस है हमारा इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है ये हम आपको बताना चाहती हूँ कि यही इक्वेशन मतलब हम अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा इक्वेशन एज इट इज नो इफेक्ट ऑन द एंथैल्पी. बट अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं तो हमारी सिर्फ जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ओनली ऑक्यूपाइज फॉर द इंटरनल एनर्जी नॉट फॉर टू डू वर्क. वर्क के लिए एनर्जी ऑक्यूपाइज नहीं होती सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है हमारे सिस्टम की. तो यही हमारा आज एंथैल्पी का टॉपिक है यही हम स्टॉप करते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द मोर एंथैल्पी टॉपिक दैट इज द फॉर डिफरेंट रिएक्शन में एंथैल्पी कैसे आती है कौन कौन से टाइप की रिएक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. और आज आपको सिर्फ एंथैल्पी क्या है इतना ही आपने लर्न किया है. नेक्स्ट लेक्चर विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.